हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेड हलवा कैसे बनाते हैं। ये जो ब्रेड हलवा है बहुत ही यमी यमी लगता है और इसे आप एक ही बार में खा जाएंगे, इतना यमी बनता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा पैन। पैन को रख लें लो फ्लेम में और उसमें डालें 2 से 3 बड़े चम्मच घी के, और जैसे ही घी गर्म हो जाता है उसमें आपको डालना होगा ब्रेड। तो ब्रेड को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, हाथ की हेल्प से ही मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, मैश कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो ब्रेड ले रही हूँ वो ब्रेड लिया है मैंने करीबन 7 से 8 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, और इसे इस तरीके से छोटे टुकड़ों में करने के बाद घी में डाल लीजिए, और डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से स्टर कर लीजिए। तो इसे आपको 10 से 15 मिनट तक के लिए स्टर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं करीबन 10 से 15 मिनट बाद, तो ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं रंग इसका बहुत ही अच्छे से बदल चुका है और इसमें एक कुरकुरापन आ चुका है। जैसे ही कुरकुरापन आ जाता है इस पैन को आप निकाल के नीचे रख लें और एक और बर्तन इसके ऊपर चढ़ा लें। जैसे ही आप चढ़ा लेते हैं, जैसे ये जो ब्रेड मैंने लिया था 8 स्लाइसेस ली थी, तो उस हिसाब से मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम थोड़ा स्वीट ज़्यादा खाते हैं तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा, जब तक कि ये चीनी भीग नहीं जाती तब तक आपको थोड़ा सा पानी डालना होगा, और डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से बॉयल होने दें। तो अभी आपको लेना है 1 स्पून, और उस स्पून के हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ले। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे इसमें छोटे छोटे बबल्स आएंगे, तो इस बबल्स का मतलब ये है कि आपका सिरप जो है बनके तैयार है। तो इसे आप नीचे उतार के रख लें, और जो ब्रेड हमने बना के रखा था उस ब्रेड को आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद जो सिरप हमने बना के रखा था लो फ्लेम में रख के पूरा सिरप इसमें डाल लेना है। डालने के बाद स्पैचुला के हेल्प से आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे तब तक आपको मिक्स करना है जब तक कि ये थोड़ा आटा जैसा, मतलब लूज़ आटा जैसा नहीं बन जाता, तब तक आपको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पास आ चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास मिल्क इस्तेमाल किया है। तो अगर आप मिल्क ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, याद रखिए, वरना जो मिल्क जो है वो फटने के चांसेस होते हैं। तो हल्का गर्म आप डालोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें, और इसे फिर से एक साथ, मतलब आटे के जैसे थोड़ा सा पास आने तक आप मिक्स करते रहें। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पास आ चुका है, और थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ रहा है। तो घी जैसे ही छोड़ता है इसका मतलब ये है कि हलवा तैयार है बनके। तो हलवे को आप गार्निश कर सकते हैं कैशू नट से, और ये हलवा बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।